अगर कोई भी क्वेश्चन आपकी स्टैंडर्ड बुक से है यूपीएससी का पेपर है तो वो लाइन आपकी गलत नहीं हो सकती मेक इट अ पॉइंट वहां दिया है तो ये क्वेश्चन मेरा सही होना चाहिए लॉट ऑफ स्टूडेंट रन आफ्टर दिस थिंग की जो भी फ्रिंज करंट अफेयर है इस बार कुछ एक एक्साइज फंगस का नाम आ गया इसका नाम आ गया उसका नाम आ गया वो हमें नहीं आता था अभी अ लॉड ऑफ कोचिंग मटीरियल विल कम अप क्लेमिंग यू नो ये हमारे मैगजीन से था ये यहां से आया ये वहां से आया डेफिनेटली इट विल बी देयर बट दैट वन पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू बी द वन जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा वो क्वेश्चन वो डेफिनेटली हो सकता है जिससे कि आपका स्कोर 100 की जगह 140 आ जाता बट इन दिस अटेम्प्ट इफ यू सी अगर आपका 100 भी स्कोर होता तब भी आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट जो स्टैंडर्ड टेक्स के क्वेश्चन है चाहे वो हिस्ट्री हो पॉलिटी हो जोग्रफी हो कोई भी हो वो गलत नहीं होना चाहिए सो वॉट आई डिड फॉर माई मॉक पेपर्स वैल आई वॉज एनालाइजिंग दैम जब भी टेस्ट पेपर करती थी तो मोर देन द मॉडल आंसर्स आई वुड गो बैक टू माई गो बैक टू माई ओरिजिनल बुक अगर लक्ष्मीकांत सपोज पॉलिटी का टेस्ट दिया है तो लक्ष्मीकांत में अगर गवर्नर का क्वेश्चन गलत हुआ है तो आल गो बैक टू द गवर्नर का चैप्टर एंड सी की वेदर दिस लाइन वॉज गिवन इन माई बुक और नॉट इफ इट वॉज गिवन देन वाई डिड आई नॉट रीड इट और वॉज इट दैट आई हैड रेड इट बट मैंने मुझे इस लाइन समझ ही नहीं आई थी इसका मीनिंग क्या था समझ आ गई थी तो याद क्यों नहीं थी कि वाई डिड आई नॉट पे इनफ अटेंशन टू दिस लाइन एंड आई वुड ऑलवेज मेक अ बॉक्स अराउंड इट और वहीं पे उसको एनसर्कल कर लेती थी या फिर उसको हाईलाइट कर लेती थी एंड आई टू पुट अ क्यू देयर सजेस्टिंग दैट दिस इज अ प्रॉबल क्वेश्चन वो मॉक्स में भी हेल्प करेगा वो आपके एक्चुअल एग्जाम में भी हेल्प करेगा सो दिस इज हाउ यू गो अबाउट एनालाइजिंग योर पेपर्स अगेन एनालिसिस में सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस एंड चैप्टर वाइज एनालिसिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट अगर आप फुल लेंथ टेस्ट कर रहे हैं तो देखें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आपके कम मार्क्स आ रहे हैं वेदर इट्स इकोनॉमी जिसमें कम स्कोर आ रहा है वेदर इट इज साइंस एंड टेक्ट जहां पे कम स्कोर आ रहा है तो एक एनालिसिस उस सब्जेक्ट का भी करें और विद इन द सब्जेक्ट ट्राई एंड फाइंड आउट कि कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं इफ आई वर टू से मेरे साथ शुरू में ऐसा काफी ज्यादा हो जाता था जैसे पॉलिटी में है कि पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी से हर बार क्वेश्चन गलत होते थे आईज टू रीड इट बट फॉर सम रीजन पता नहीं क्या होता था वहां पे सम क्वेश्चन गलत हो जाते थे वेन जब चार पांच पेपर देखे तो आई रियलाइज की यार हर क्वेश्चन पंचायत म्यूनसिपैलिटी का पॉलिटी से गलत है सो वॉट आई डिड वज आई मेड इट अ पॉइंट कि एवरी टेस्ट दट आई एम गोइंग टू राइट फॉर पॉलिटी मैं बिना पंचायत म्यूनिपैलिटी रिवाइज करें टेस्ट नहीं दूंगी सो इफ माई टेस्ट इज एट नाइन एट ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग सेवन ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग आई विद सिट एक घंटा बैठ के पंचायत म्यूनिपैलिटी रिवाइज करना है ठीक है तो उससे हुआ क्या दट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि इतनी बार उसको रिवाइज कर लिया था दैट आई सम हाउ रिमेंबर द होल चैप्टर आई डि नॉट इवन नीड द बुक क्योंकि हर दिन उसको रिवाइज कर रहे हैं एंड अभी मैं ऐसा बोल रही हूँ यू माइट थिंक यू नो इट इज नॉट पॉसिबल इतना टाइम नहीं है देर इज ऑलवेज टाइम घंटा लगता है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो थर्टी मिनट्स लगते हैं कुछ दिनों बाद ट्वेंटी मिनट्स लगते हैं कुछ दिन बाद आपको पता होता है कि यार ये क्वेश्चन आएगा एंड द मोमेंट यू सी क्वेश्चन यू आर स्माइलिंग कि अच्छा मुझे तो पहले से पता था कि यही आने वाला है सो यू विल रीच दैट स्टेज बज द प्रॉब्लम इज टू फिगर आउट वॉट वी डू इज हम पूरी बुक बैठ के रिवाइज करने लग जाते हैं इट इज नॉट पॉसिबल कि आपको पूरी बुक में कुछ भी नहीं आता है देर आर सम चैप्टर्स दैट यू विल नो बेटर और ये हर पर्सन के लिए अलग अलग होगा किसी के लिए हिस्ट्री में होगा किसी के लिए जोग्राफी में होगा सो दैट पार्ट यू विल हैव टू डू की अनालिसिस करना है ऑफ वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग कहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है और वो प्रॉब्लम्स को आप कैसे करेक्ट करें ओनली देन विल योर स्कोर इंप्रूव ठीक है तो अनालिसिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आई थिंक प्रिलिम्स मेन्स इंटरव्यू वॉट हैज़ वर्कड फॉर मी इज एनालाइजिंग एवरी सिंगल बिट ऑफ इट because i wrote my first mains my first interview still i was able to score decently enough it was only because ki analysis pe focused focus tha, more than number of attempts more than kitna material mere pass so that is one thing i think this is all that i can remember as of now about prelims